हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट फैंटेसी मैच पर मैं आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हम मैनचेस्टर से ओरिजिनल वर्सेस वेल्स फैंस मेंस के बीच में होने वाला आज का फर्स्ट मैच। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, बाकी स्टैट में पूरे आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरे स्टैट चेक कर सकते हो। तो चले भाई मैच के लिए हम मैच का आगे बढ़ते हैं। तो देखो पिच की बात करते हैं, बीच ये वही रहने वाला, सेम वेन्यू रहने वाला है। तो मैंने बताया था पहली मैच के टाइम कि ओवरकास्ट कंडीशन में पेस बॉलर अच्छा करेंगे और बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। तो कल के मैच में सेम ही हुआ है, ओवरकास्ट कंडीशन था और अंडर द लाइट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है खेलना। तो आज के मैच में भी सेम हो सकता है, तो वो ध्यान रखना, स्पिनर को उतना मदद नहीं है। स्पिनर को सेकंड इनिंग में मदद मिलती हुई दिख सकती है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ तो 63 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, दोनों बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों इक्वल है। एक बैट फर्स्ट 31 जीता है, बैट सेकंड 30 जीता है। कवरेज स्कोर यहाँ पे 158 का है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करो तो 150 बिलो यहाँ पे 21 बार स्कोर बना है, 150 तो 160-170 के बीच में 15 बार बना है, 170 तो 189 19 बार बना है, 190 अबव 8 बार यहाँ पे स्कोर बना है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भाई हेड टू हेड में दो मैच हुए, दोनों मैच मैनचेस्टर ओरिजिनल जीते हैं। प्लेयर बैटर बताने वाला उन्हें ज़्यादा कोई मतलब ऐसा बताने जैसा कोई है नहीं, क्योंकि सिंगल सिंगल टाइम ही ज़्यादा लोगों ने आउट किया है, तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता। वेल्स फैंस मेंस की बात करते भाई, देखो जोई क्लार्क लास्ट ईयर अच्छा खेल रहा था, रिसेंट फॉर्म भी उसका डिसेंट है, ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वेन्यू पे 126 रन बनाया है इसने। उसके बाद इस तनिक नाजी रिसेंट फॉर्म ठीक है, वेन्यू पे 5 मैचों में 101 रन है 5 इनिंग में। बेस्टो का भी बढ़िया है, एक मैच में 72 विकेट है रन है यहाँ पे, और रिसेंट फॉर्म भी बेस्टो का बढ़िया है। टॉम एबल कैप्टन रहने वाला है इस टीम का इस साल का, और 4 इनिंग में 65 रन है वेन्यू पे, और रिसेंट फॉर्म डिसेंट अच्छा फॉर्म है, देखते हैं कैसे खेलने वाला है। उसके बाद सबसे बढ़िया प्लेयर यहाँ पे क्लीन फिलिप रहने वाला है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, प्लस वेन्यू पे 6 इनिंग में 229 रन है, तो बढ़िया फॉर्म अच्छा किया है इस वेन्यू पे, तो ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद दूसरा बढ़िया प्लेयर रहने वाला टीम डेविड विली, रिसेंट फॉर्म ठीक है, बैट से 60 रन किया है, हेड टू हेड में बॉलिंग से 4 विकेट लिया है 3 मैचों में, वेन्यू पे 3 मैचों में 85 रन है और वेन्यू पे 4 विकेट गए, तो कैप्टन जी का बढ़िया चॉइस रहने वाला है डेविड विली। बेन ग्रीन है रहने वाला है, रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे बैट करते हुए 17 रन है, बॉलिंग करते हुए 4 विकेट है दो इनिंग में। उसके बाद लुक वेल जीएल में ट्राई करो, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। शाहीन अफरीदी सीबीबीसी का चॉइस हो सकता है, बट भाई कभी कभी लिया तो 2-3 विकेट लेता है, नहीं तो कभी कभी 0 विकेट भी रहता है, तो चाहो तो रिस्क ले सकते हो। शाहीन अफरीदी की तरफ अपने रेंजर में ज़्यादा बंदे लग जाएंगे। हारिस रूप का भी वही कंडीशन है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, उसको भी वही कंडीशन है, अच्छा बॉलर है, अच्छा करते हुए दिख सकते हैं आप। उसके बाद वैंडर मरवे रिसेंट फॉर्म बढ़े ठीक है, मतलब 9 विकेट है इसके 5 मैचों में, तो बढ़िया है। हेड टू हेड में बैट करते हुए 11 रन है, बॉलिंग से 0 है, और वेन्यू पे बैट करते हुए 19 है, और वेन्यू पे 8 मैचों में 9 विकेट है। तो बेंच पे साला बहुत सारे प्लेयर हैं, क्रेम शॉ है रिसेंट फॉर्म ठीक है, वेन्यू पे भी रिसेंट 3 इनिंग में 3 विकेट है इसके पास, और एक 5 रन है, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। डेविड पेंट लास्ट ईयर अच्छा कर रहा था, वेन्यू पे 16 मैचों में 13 विकेट है और 17 रन है, हेड टू हेड में विकेट लेस रहा है, ज़्यादा कुछ किया नहीं हेड टू हेड में। जैक बॉल ज़रूर ट्राई करना, अगर खेलता है टीम में तो ज़रूर ट्राई करना, हेड टू हेड में 4 विकेट है 2 इनिंग में, और वेन्यू पे 6 मैचों में 2 विकेट है। उसके बाद क्रिस कुक है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, अगर 1095 रन है इसके 52 मैचेस में, तो विकेट का इस वेन्यू पे अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो अभी चलो मैनचेस्टर ओरिजिनल की बात करेंगे, जॉर्ज बटलर रहने वाला है, रिसेंट फॉर्म ठीक है, हेड टू हेड में 29 रन बनाया है, वेन्यू पे कुछ खास नहीं किया। उसके बाद फिलिप साल्ट है, 6 इनिंग में वेन्यू पे 164 रन किया है, हेड टू हेड में 2 मैचों में 68 रन किया है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद लॉरी इवंस है, इसका वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 6 इनिंग में 245 रन है, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है,
हेड टू हेड पे दो मैचों में 28 रन किया है। उसके बाद डेट वेन मैटसन है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, दो मैचों में भी अच्छा नहीं किया है, बाकी सब अच्छा है। 50 प्लस के आसपास स्कोर किया है, 40 प्लस आस स्कोर है। हेड टू हेड में 10 रन है। एस्टन टर्नर बड़े प्लेयर रहेगा, इस बैकबोन रहने वाला इस टीम का, क्योंकि बॉलिंग भी करते हुए दिख सकता है और अच्छा खेलता भी है। टॉम लॉमन भी रिसेंट फॉर्म ठीक है, वेन्यू पे 22 रन है, हेड टू 22 रन है, रिसेंट फॉर्म ठीक है। उसके बाद पॉल वॉल्टर की बात करेंगे, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है भाई का, T20 ब्लॉक में अच्छा किया था। हेड टू हेड में 13 रन है, हेड टू हेड में विकेट तीसरा है, एक ही मैच खेला है हेड टू हेड में। वेन्यू पे 118 रन है और एक मैच में 2 विकेट है वेन्यू पे। उसके बाद अभी उस्मान मीर है, ज़रूर ट्राई करना सेकंड इनिंग में, तो ज़रूर ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग में जाओ तो ड्रॉप करना, तो इससे बढ़िया है। उसके बाद टॉम हार्टली है, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, हेड टू हेड में बैट करते 15 रन है, हेड टू हेड में बॉलिंग 2 इनिंग में 3 विकेट है और वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट है यहाँ पे, तो वेन्यू का रिकॉर्ड सब बढ़िया है उसमें टॉम हार्टली का। तो जब उसके बाद रिचर्ड विल्सन है, ज़रूर ट्राई कर सकते हो, GL में बढ़िया प्लेयर है, रिसेंट में इसके पास 6 विकेट है 5 मैचों में। जॉस लिटल डिसेंट फॉर्म है, मतलब 6 विकेट है इसके 5 मैचों में, रिसेंट में अच्छा करना चाहेगा भाई। उसके बाद मिचेल स्टैनली है, रिसेंट फॉर्म ठीक है, रिसेंट फॉर्म ठीक है, ज़रूर ट्राई कर सकते हो, यानी हिट टू हिट में एक मैच में एक विकेट लिया। जेमी ओटन बढ़िया प्लेयर रहेगा, रिसेंट फॉर्म बड़ी तगड़ा है इसका, वेन्यू पे 3 मैचों में 1 विकेट है, हेड टू हेड में 57 रन दिया है इसने, बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद मैक्स होल्डन है, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, वेन्यू पे 3 मैचों में 93 रन, तो वेन्यू वेन्यू रन अच्छा है। बेन रेन का डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, वो ठीक ही है, अच्छे रन बनाए इसने। टीम की बात करेंगे भाई, तो देखो मैंने बेस्टो को लिया है, ग्लेन फिलिप्स को लिया है, विल्स फायर की तरफ से शाहिन अफरीदी, हारिस रोप और डेविड पेन लिया, तो डेविड पेन को मैं एज ए डिफरेंशियल ट्राई करने वाला हूँ। पॉल वॉल्टर को फिक्स रखने वाला है, एस्टन टर्नर को भी फिक्स रखने वाला हूँ, जॉश इंग्लिश की जगह और डेविड पेन, इन दोनों को मैं मूव आउट करने वाला हूँ, डिफरेंशियल ट्राई करने वाला हूँ। बटलर को फिक्स रखने वाला, फिलिप्स को फिक्स रखने वाला, चाहो तो ये दोनों की जगह पर मैं खाली बॉलिंग सेक्शन में चेंज करूँगा और ऑलराउंडर में वाल्टर और टर्नर, ये दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा टॉस के बाद, जैसे लाउन आउट हो जाती है उसी हिसाब से टीम चेंज करूँगा। जॉई क्लास एज ए फिक्स प्लेयर रहने वाला है अपने पास, तो बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं, तो देखो स्मॉल लीग में जाओ जॉर्ज बटलर के साथ, बेस्टो के साथ, फिल सैट, जॉई क्लार्क, उसके बाद GL में जाना है टर्नर के साथ जाओ, फिलिप्स के साथ जाओ, लॉरी इवन डेविड भी ले, ये GL में देखें। डिफरेंशियल जाना है तो भाई पॉल वॉल्टर रहने वाला है, शाहिन अफरीदी, हारिस रोप, रिचर्ड गिल्सन रहने वाला है डिफरेंशियल GL पे। बाकी दोस्तों मैच के टाइम मिलते हैं सबको, मैच के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का और पूरे स्टैट का इस मैच का, तो वहाँ से पूरा चेकआउट करो। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।